Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see models and schema in Mongoose in Hindi. So chaliye guys, shuru karte hain. सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन मोंगो डीबी ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। आज गाइस मेरा 11th वीडियो होने जा रहा है एंड अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखे सो गाइस आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, तो आपको याद ही होगा प्रीवियस वीडियो में हमने समझा व्हाट इज मोंगोस, मंगूस को कैसे इंस्टॉल करना है एंड हमने अपने लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके भी मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो गाइस आज हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाट इज मॉडल्स इन मंगूस और वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी इन्होंने बताया दैट इज राइटिंग मोंगो डीबी वैलिडेशन। तो ये जो मोंगो डीबी का जो वैलिडेशन है वो हम विद द हेल्प ऑफ स्कीमा बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो स्कीमा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको याद है हमने यहाँ पे आके उसको लेफ्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था कि ये क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। आज हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्कीमा, ये स्कीमा क्या चीज़ है, ठीक है। सो इट्स सुपर डुपर इजी। क्या होता है स्कीमा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्कीमा, उसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड इन मोंगोस स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हमें स्कीमा हेल्प करता है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, इट ऑल्सो हेल्प अस टू गेट द डिफॉल्ट वैल्यूज, वैलिडेटर्स एसेट्रा, ठीक है। तो ये सब का क्या मतलब होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो गाइस, जब भी हम अपने, अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने कॉम्पास पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये कुछ डेटा है जो मैंने ऐड करके रखा है। तो बेसिकली ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, पहला डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा। तो स्कीमा का क्या काम है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बताने का क्या मतलब होता है, उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरा एक नेम है एंड उसकी ये वैल्यू है, दैट इज योर की वैल्यू पेयर, सिंपल, ठीक है। एंड नेम एक मेरा फील्ड भी है, तो इस नेम नाम के फील्ड में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए उसको डिफाइन करना इज लाइक का स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, उसको बताना इज लाइक का स्ट्रक्चर बताना कि हाँ भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर नेम नाम का एक फील्ड है उसमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए पहले मुझे वो बताओ। तो वो जो हम चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं हमारे मोंगो डीबी को, हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, दैट इज़ योर स्कीमा। वो स्कीमा को बताना पड़ता है हमें, ठीक है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट का, तो गाइस हम बहुत ईजिली उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड कर सकेंगे, वैलिडेशन ऐड कर सकेंगे। देखो कैसे, सिंपल है, ये मेरा नेम नाम का फील्ड है, मुझे मालूम है कि गाइस मेरा ये जो नेम नाम का फील्ड है, फिलहाल अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ थापा टेक्निकल चैनल में जो मेरा प्लेलिस्ट था, राइट, इधर वो जावास्क्रिप्ट होगा या नोड जेएस होगा या रिएक्ट होगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सभी के सभी गाइस एक अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, नेम का जो स्ट्रक्चर होगा डैट विल बी, इसकी जो वैल्यू होगी इट शुड बी अ स्ट्रिंग। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ऑब्जेक्ट है ये हम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक मोंगो हमारे लिए क्रिएट कर देता है, जिसकी जो टाइप है, डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर मतलब डेटा टाइप भी आप कह सकते हो, उसको डिफाइन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट आईडी है। ये जो ट्रू है, ट्रू को अगर मैं आपको दिखाऊं सो ये आपका एक बुलियन वैल्यू है, राइट। डेट की अगर मैं बात करता हूँ सो ये आपका गाइस, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट खुद ही एक अपना गाइस डेटा टाइप प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये जो चीज़ है गाइस, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं इट मींस हम अपना स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। एंड अगर हमने ये डिफाइन कर दिया तो ये बहुत ही ऑसम है ना हमारे लिए, क्योंकि गाइस कल के दिन अगर मैंने यहाँ पे बुलियन जो मैंने पास कर रखा है, बुलियन के बदले अगर मैं लिख दूँ थापा, तो थापा तो कुछ होता ही नहीं है। बुलियन मतलब इधर ट्रू या फॉल्स, एंड अगर मैं वहाँ पे लिख दूँ थापा तो ऑब्वियसली मुझे वो एरर देने वाला है, तो हमारे वैलिडेशन का काम हुआ कि नहीं। एंड गाइस हम और भी बहुत कुछ कर सकते, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको पता चल गया कि ये स्कीमा क्या है। सिंपली इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि आपके डॉक्यूमेंट्स के जो फील्ड्स है वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, सिंपल, ठीक है। इसको एज इट इज में छोड़ देता हूं, अपडेट हो चुका है ये, चलो ठीक है। देखिए आई होप आपको पता चल गया स्कीमा इतना ज्यादा सिंपल था कि आप जो भी ये क्रिएट कर रहे हो उनका ये जो फील्ड्स है वो किस टाइप का है, कौन से डेटा टाइप का, वो बस आपको मेंशन करके रख देना एंड उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे। देखो गाइस मैंने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है, दैट इज माय थापा टेक्निकल चैनल, एंड आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है ये चैनल की। एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मैंने चैनल की स्पेलिंग चेंज कर दी, इट डजेंट मैटर क्योंकि उसको मैं बहुत इजीली डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने न्यू डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमारे इसमें जो प्रीवियस था उसको मैंने डिलीट कर दी, एंड बहुत इजीली डिलीट कर सकते हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे जाना, ये देख रहे हो डिलीट ड्रॉप डेटाबेस,
क्लिक कर दूंगा एंड डिलीट हो जाता है, इतनी इजीली डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है। सो मैंने जस्ट नाम सही किया और कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखो मैं अब स्कीमा डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। एंड वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस, ये जो मेरा मोंगूस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास नाउ एक और मेथड है, दैट इज मोंगूस डॉट स्कीमा, एंड दिस इज इट गाइस। अब ये जो मोंगूस डॉट स्कीमा एक, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहूँगा, न्यू इक्वल टू, एंड ये जो क्रिएट हो रहा है उसको मैं स्टोर करना चाहूंगा एक कॉन्स्ट वेरिएबल पर, दैट इज प्ले लिस्ट एंड स्कीमा लिख देता हूँ। एंड गाइस जो मैं कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ वो मेरा कैमल केस है, ठीक है। सो स्कीमा अब देख सकते हो, पी जो है वो मेरा स्मॉल लेटर में है, एस मेरा कैपिटल है, सो इट्स अ कैमल केस। एंड अब मैं अपना स्कीमा डिफाइन करने जा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, मुझे पैरेंथिसिस ऐड करना है उसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे ये बताना है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो वी हैव अ नेम सी टाइप, बेसिकली मेरा कोर्स का टाइप क्या है, ठीक है। सो देखो नेम इक्वल टू, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, एंड आई थिंक चलो ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है किस डेटा टाइप का, सो इट्स अ स्ट्रिंग। उसके बाद मेरा कोर्स का टाइप कौन सा, जो कि मेरा फ्रंट एंड, अगेन इट्स अ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे चलूंगा एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, जी हाँ गाइस वीडियोस लिखा है, ठीक है। अब ये जो वीडियोस होगा गाइस मैं आपको बताता हूँ, वीडियो स्पेलिंग एकदम सही लिखना है आपको, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो होगा गाइस इट शुड बी अ नंबर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्ट। नाउ अब उसके बाद क्या गाइस, वी हैव अ ऑथर, मतलब ये किसका चैनल है, वीडियो कौन बना रहा है, प्लेलिस्ट जो भी बना रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स ये आपका स्ट्रिंग होगा, सिंपल। एंड देन गाइस ये एक्टिव है या नहीं, ठीक है। सो सिंपली मैं चलता हूँ एक्टिव, नाउ वी नीड टू पास अ बूलियन वैल्यू, दिस इज इट, बेसिकली हमें ये बताना पड़ता है, यही आपका स्कीमा, इतना सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, ये किस डेट को अपडेट किया गया या कब ये क्रिएट हुआ, तो सिंपली गाइस अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करना नहीं बताया गया, ये बताया कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड कर सकते हो, आप वैलिडेशन यूज कर सकते हो। एंड वो देखो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चलूंगा, मुझे अगेन इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गाइस मैं क्या लिखूंगा, इसकी जो टाइप होगी, ऑब्वियसली हमें डेटा टाइप बताना बहुत जरूरी है, डैट इज डेट, ठीक है, कॉमा, एंड इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम सेट कर सकते हैं, एंड डैट इज सिंपली अ डेट डॉट नाउ, सिंपली। एंड डेट क्यों नहीं चाहिए मुझे, डेटा नहीं, डेट डॉट नाउ, एंड सिर्फ इतना ही मुझे करना है एंड कुछ नहीं गाइस। देखो कितनी इजीली हमने हमारा स्कीमा रेडी कर दिया, ये हमने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये फील्ड्स होने वाले, उनका डेटा टाइप ये होने वाला है। एंड सिर्फ डेटा टाइप ही नहीं, अगर आपको उसको और डिफाइन करना हो, लाइक डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको सेट करके रखना हो, तो अगेन आपको डेटा टाइप तो बताना पड़ता ही था, तो अब आप उसको इस तरीके से टाइप कॉलन डेट इस तरीके से बता सकते हो, एंड देन डिफॉल्ट वैल्यू आप इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, हम आगे जरूर देखेंगे। एंड गाइस ऐसे बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स है जो हम आगे देखेंगे जब हम वैलिडेशन देखेंगे, लेकिन फिर भी आपके मन के शांति, आपको और एक्साइटमेंट हो कि हाँ यार मजा आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ सिंपली अगेन इस तरीके से गाइस, नेम फील्ड पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, चलो दिस इज इट। यहाँ पर अब ये जो स्ट्रिंग है ना, एक एंटर हिट कर देता हूँ, सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से टाइप कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, एंड में कॉमा देता हूँ, यहाँ पे गाइस अब मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, इट मींस कि ये होना ही चाहिए, दिस इज इट, एंड इक्वल टू नहीं दे सकता मैं, मुझे कॉलन देना पड़ेगा, दिस इज इट। तो गाइस हम इस तरीके से भी बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं एंड बहुत कुछ हम कर सकते हैं, सो दिस इज योर स्कीमा, ऑलराइट, आपको पता चल गया स्कीमा क्या है, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्कीमा वी नीड टू क्रिएट अ मॉडल, ठीक है, अभी मॉडल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने मॉडल को ऐड कर दिया, बेसिकली ए मोंगूस मॉडल इज अ रैपर ऑन द मोंगूस स्कीमा, बेसिकली ये एक रैपर है ऑन द मोंगूस स्कीमा, एंड ये तो आपको ऑलरेडी मालूम ही चल चुका है, दैट इज ए मोंगूस स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डिफॉल्ट वैल्यूज, वैलिडेटर्स एसेट्रा, वेयर एज ये जो मोंगूस मॉडल है प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द डेटाबेस फॉर क्रिएटिंग, क्वेरिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स एसेट्रा। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स आप ये जो कर्ड ऑपरेशंस है उसको बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोड एंड एक्सप्रेस, एंड जो डायरेक्टली आपके मोंगोडीबी में कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसको मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूँ, मॉडल्स को क्रिएट करना मतलब अब आप अपना कलेक्शंस क्रिएट करो, दिस इज इट। हमने यहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो समझा, उस डेटाबेस के अंदर हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमने समझा, उसका सिंपली स्ट्रक्चर हमने समझा। नाउ जो डेटाबेस है उसके अंदर कलेक्शंस तो होता ही होता है, सो वी हैव दिस, सपोज ये मेरा डेटाबेस था थापा टेस्ट, उसके अंदर प्लेलिस्ट जो है वो मेरा एक कलेक्शन है, ये मेरा जो है एक कलेक्शन है, मुझे अब एक कलेक्शंस क्रिएट करना है, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। देखो बहुत इजीली मोंगूस डॉट मॉडल, अगेन ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
एंड अगेन गाइस इसका भी मुझे एक इंस्टेंस नहीं कह सकता। अब गाइस हम बेसिकली एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे एंड दैट इज सुपर डुपर इजी एंड दैट इज कॉन्स्ट। एंड नाउ हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करें। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से प्ले लिस्ट, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो गाइस ये जो पी है ये कैपिटल है, यहाँ पे ये जो पी है ये स्मॉल है, क्योंकि गाइस ये क्लास नहीं था। आप इसको एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, इंस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे इस केस में जब हम मॉडल के साथ खेल रहे, जब हम मॉडल को डिफाइन कर रहे, तो नाउ इट्स अ क्लास, ठीक है, हमारे मोंगूस के अंदर। अब इसके अंदर दो पैरामीटर बेसिकली, ठीक है, जो सबसे पहला होगा वो होगा आपका कलेक्शन का नाम, एंड वो हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। जी हाँ गाइस, आपका वो सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। तो अगर मुझे प्लेलिस्ट, क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत सारे होते हैं, राइट, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे, इस तरीके से लिख दूंगा एंड इट्स शुड बी कैपिटल, हाँ, प्लेलिस्ट। इस तरीके से मैं चलता हूँ प्लेलिस्ट, दिस इज इट। एंड बिहाइंड द सीन जब हम चेक करेंगे तो गाइस वो कुछ इस तरीके से प्लेलिस्ट हो चुका होगा। आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, एस जो है वो ऐड हो चुका है एक्स्ट्रा। सिंगुलर लिखना है वो प्लूलर में हो जाता है, एंड बिहाइंड द सीन होगा इस आपका कर देता है वो, ठीक है। मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, एंड वो अगर कैसे होता है बोलने से, गाइस नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर कोई तो एक पैकेज है जो हमारी हेल्प कर रहा है, जो भी हम सिंगुलर में लिख रहे हैं उसको जब हम एक्चुअल में देख रहे होते हैं तो वो प्लूलर में कन्वर्ट हो चुका होता है, सिंपल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एंड इट्स अ क्लास, ये भी आपका कैपिटल होगा जब आप मोंगूस के अंदर मॉडल डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। सो हमने प्लेलिस्ट लिख दी। अब मुझे यहाँ पे गाइस वो स्कीमा डिफाइन करना होगा कि ये जो मेरा कलेक्शन है, ये जो मेरा प्लेलिस्ट वाला कलेक्शन है, इसके अंदर ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स ऐड करने वाला हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है यहाँ पे। तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पे डबल कोट्स सिंगल कोट्स कुछ नहीं, एज इट इज पेस्ट कर देना है, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, एंड बूम गाइस दिस इज इट। तो हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडल हम अपना एक कलेक्शन क्रिएट करें बेसिकली। अगर इन शॉर्ट फॉर्म बता दूँ तो अगर आपको कलेक्शन क्रिएट करना हो, कलेक्शन क्रिएशन, ठीक है, आप सिंपली लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। सो देखो इस तरीके से हमने डेटाबेस क्रिएट किया, हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन की, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडल हमने अपना एक कलेक्शन क्रिएट किया। बस अब क्या बचा, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, हमने कलेक्शन क्रिएट कर ली, कलेक्शन के अंदर अब हमें खाली डॉक्यूमेंट को ऐड करना है, डॉक्यूमेंट खाली इंसर्ट करना है, बाद में हम उसको रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, इतना सिंपल है कि नहीं। सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ रहे कि ये क्या है, किस तरीके से, एंड मोंगूस बहुत ईजी कर दे रहा हमारे लिए। सो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब हम ये डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।